हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास पर और ये हम पढ़ेंगे तरंग, क्लास 11 का फिजिक्स हिंदी मीडियम। 11 क्लास का जो हमारा प्लेलिस्ट है, जो रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, उसमें कुछ क्लास बचे थे जिसमें तरंग लास्ट चैप्टर है। बाकी तो हमारा लाइव क्लास चल ही रहा है अभी, तो तरंग का टॉपिक मैं कंप्लीट कर रहा हूँ ताकि वो हमारा प्लेलिस्ट पूरा हो जाए। और ऐसे बच्चे जो एक साथ उस प्लेलिस्ट से क्लासेस ले रहे हैं, उनको कोई टॉपिक मिसिंग मत हो। तो तरंग का हमारा लास्ट चैप्टर है, दो तीन लेक्चर है, जैसे भी समय मिल रहा है मैं इसको आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। तो तरंग का लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने तरंग के पूरे बेसिक कॉन्सेप्ट, तरंग क्या होता है, तरंग संचरण कैसा होता है, ये सब मैंने अनुप्रस्थ तरंग, अनुदैर्ध्य तरंग आपको डिटेल में बता दिया था। चलिए तो आज के क्लास को हम आगे कंटिन्यू करें। और क्लास स्टार्ट करने से पहले ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता दूं। अनएकेडमी में 20% का ऑफ आपको मिल रहा है और उसका आज लास्ट डेट है 30 के बीच में। ये आपको 20% का ऑफ मिल रहा है, डिस्काउंट मिल रहा है नीट यूजी के सब्सक्रिप्शन पर। तो ये 12 मंथ 18 मंथ 24 के सब्सक्रिप्शन के न्यू प्राइस हैं। ये 35,574 47,190 51,744। तो ये आपके लिए अच्छा चांस है और आप इसको परचेस करोगे तो आप मेरा रेफरल कोड जेपी सर लाइव यूज़ करोगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा। ओके, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये जो टेस्ट सीरीज चल रहा है, फॉर फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चल रहा है, ये जुलाई 2, 9, 10 और 14, ये 4 टेस्ट सीरीज होगा। और ये जो मार्क टेस्ट है कम्प्लीटली फ्री है, इसमें इनरोल करके अभी आप नीट 2022 के एग्ज़ाम देने वाले होंगे तो आपके लिए ये बहुत अच्छा चांस है कि इस मार्क टेस्ट से आप अपने प्रिपरेशन को प्रॉपर स्ट्रांग कर सकते हैं। ओके, और मैं बता दूं लास्ट में आपको मेरे 6 डेज के क्रैश कोर्स का टाइमिंग, 7 AM में मैं 12th क्लास लेता हूं, 4 PM में 11th का क्लास लेता हूं और ये कंप्लीट फ्री क्लास है। इस स्पेशल क्लास को आप ज्वाइन कर सकते हैं। इस स्पेशल क्लास को ज्वाइन करके अभी आपका जो नीट का एग्ज़ाम है उसके लिए हम 60 डेज का क्रैश कोर्स लेके आए हैं, जिसमें बहुत रैपिड तेज़ी से आपको ये सिलेबस कम्प्लीट करा रहे हैं। साथ में हम आपको क्विज भी करा रहे हैं ताकि आप अपने टेस्ट को चेक कर सको हम कितने तैयार हैं। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए। चलिए तो क्लास आगे हम कंटिन्यूस करें। ये आप मेरा रेफरल कोड है जेपी सर लाइव, ये कोड आप ज़रूर यूज़ कर लेंगे जब अनएकेडमी का कोई भी डिस्काउंट या कोई भी फैसिलिटी आपको इस कोड को यूज़ करने के बाद ही मिलेगा। यदि आप जेपी सर लाइव कोड यूज़ करेंगे तभी वो डिस्काउंट आपको मिल पाएगा। ओके, चलिए तो क्लास हम स्टार्ट करें आज का। और आज हम पढ़ेंगे तरंग का बचा हुआ टॉपिक। देखिए वेव बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि अभी हमारा 11th क्लास का लाइव क्लास तो इवनिंग में चलता ही है, लेकिन ये क्लास है जो 2022 का जो हमारा सिलेबस था उसका लास्ट चैप्टर, वो हम आपको नहीं पढ़ा पाए थे। तो बहुत से बच्चे हैं जो अभी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए उसकी पढ़ाई करते हैं, वो सब इसे कर सकते हैं। तो तरंग में मैंने आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था, पहले पार्ट में पढ़ाया था कि अनुप्रस्थ तरंग क्या है, अनुदैर्ध्य तरंग क्या है। आज हम पढ़ेंगे तरंग का संचरण। तो तरंग संचरण हम किस प्रकार से करते हैं ये हमको पढ़ना है। तरंग का संचरण मतलब वेव प्रोपोगेशन, और वेव प्रोपोगेशन में यदि हम तरंग को आगे बढ़ाते हैं, आगे लेके जाते हैं, तो ये दो प्रकार का होता है। तरंग संचरण को हम दो प्रकार से पढ़ते हैं। पहला होता है प्रगामी तरंग, प्रगामी तरंग जिसको हम बोलते हैं प्रोग्रेसिव वेव। इसको हमको डिटेल में पढ़ना है।
और दूसरा होता है अप्रगामी तरंग। स्टेशनरी वेव आर स्टैंडिंग भी बोलते हैं, यह दो तरह से तरंग का संचरण होता है। नाम से स्पष्ट है कि प्रगामी तरंग जो होता है प्रोग्रेसिव, इंग्लिश वर्ड आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, प्रोग्रेसिव मतलब लगातार आगे बढ़ने वाला, प्रोग्रेस का मतलब होता है आगे बढ़ने वाला। तो जो ऐसा तरंग जो लगातार आगे बढ़ता है वो क्या होता है, प्रोग्रेसिव वेव कहलाता है। और अप्रगामी तरंग का मतलब होता है स्टेशनरी या स्टैंडिंग, मतलब जो वेव रुक जाए, स्टैंड हो जाए, या इसका जिसका प्रोग्रेस ना हो वो स्टेशनरी वेव्स कहलाता है। तो हम दो तरह से तरंग का संचरण करते हैं, एक हम करते हैं प्रगामी तरंग और दूसरा करते हैं अप्रगामी तरंग। तो इसका डिटेल फार्मूला डेरिवेशन है, आज के क्लास में हम ये पढ़ेंगे केवल प्रगामी तरंग, दोनों तरंगों को एक साथ पढ़ाऊंगा तो थोड़ा कन्फ्यूजन जैसे बात हो जाती है। आज के क्लास में आप सिर्फ प्रगामी तरंग पढ़ो, फिर अगले क्लास में मैं अप्रगामी तरंग पढ़ाऊंगा, और फिर उसके बाद अगले क्लास में आपको डॉपलर इफेक्ट पढ़ाऊंगा। इतनी बातें आपको इस चैप्टर में पढ़ना है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रगामी तरंग, आज के क्लास में हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे प्रगामी तरंग का, और बहुत ध्यान से समझना क्योंकि टॉपिक आपको तरंग के कॉन्सेप्ट पर 12th क्लास में भी काम आएगा। तो हम पढ़ते हैं प्रगामी तरंग। प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव और प्रगामी तरंग में किस तरह का कंडीशन बनता है देखो। यहां पर सपोज ये कोई तरंग है जो कंटिन्यूअस आगे बढ़ रहा है, इस तरंग का वेग सपोज v है, इस तरंग को हम v वेग से आगे लेके जा रहे हैं, और यहां पर सपोज t टाइम में किसी पार्टिकल का ये पोजीशन है जिसका डिस्टेंस इनिशियल मतलब मूल बिंदु से x है, और इसने यहां तक पहुंचने के लिए टी टाइम लिया। क्लियर। वी वेग से गतिशील, वी वेग से गतिशील कोई तरंग है जो टी समय में अपने मूल बिंदु से इस दूरी पर पहुंचता है, ये उसका स्थिति मतलब एक्स उसका यहां से क्या है, विस्थापन है, इस कंडीशन में है। और प्रोग्रेसिव वेव का मतलब है यह वेव क्या हो रहा है, लगातार आगे बढ़ रहा है। अब इसके लिए हमको क्या करना है, फार्मूला डिराइव करने हैं, इसके लिए कुछ कंडीशंस अपने को निकालना है कि प्रोग्रेसिव वेव में किस किस तरह का कंडीशन बनता है। ये फार्मूला का जो आपको पार्ट पार्ट में मतलब प्रोग्रेसिव वेव के कई फार्म मिलेंगे आपके फार्मूले में, और ये जो बहुत से फार्म आपको मिलेंगे प्रोग्रेसिव वेव के, यही सब आपको आगे न्यूमेरिकल्स में और बाकी चीज़ में काम है। एक्चुअल में हम एक्सप्रेशन देख रहे हैं, नॉट डेरिवेशन। ये एक्सप्रेशन है कि हम प्रोग्रेसिव वेव को जो प्रोग्रामी तरंग है उसको कितने प्रकार से मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमको मालूम है कि तरंग के लिए विस्थापन का जो समीकरण होता है जो हमने दोलन के चैप्टर में पढ़ा है वो है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ये आपको मालूम है वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी, इसका मूल फार्मूला है। और वाई इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी में वाई तरंग का विस्थापन होता है, ये दोलन के चैप्टर में आपको पढ़ाया गया है। ए उसका आयाम होता है जो कि अधिकतम विस्थापन होता है, किसी भी तरंग का जो अधिकतम विस्थापन होता है उसको आयाम कहा जाता है। और ओमेगा कोणीय वेग होता है, ओमेगा यहाँ पर कोणीय वेग होता है, और टी टाइम होता है। तो विस्थापन का समीकरण है। अब देखो यह मूल पोजीशन पर है, यदि एक्स समय टी समय पश्चात यह यहाँ पहुँच जाता है तो उस कंडीशन में इसके द्वारा चली गई दूरी क्या हो जाएगा, इसके द्वारा चली गई दूरी यहाँ से मैं निकालूँ तो इसके द्वारा जो चली गई दूरी है वो एक्स है, यहाँ पर एक्स डैश कहूँ तो एक्स डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, या सीधा मैं निकालूँ यहाँ पर समय, यहाँ पर हम यदि समय निकालें टी डैश इस तरह से, तो मान लो समय वेग बराबर दूरी बटे समय, तो समय बराबर दूरी बटे वेग होता है, तो वहाँ पर उसने एक्स डिस्टेंस ट्रेवल किया और वी वेलोसिटी से, तो ये टाइम हम निकाल सकते हैं। और इतने टाइम को इस टाइम से माइनस कर दें
तो नया इक्वेशन अपने को क्या मिल जाएगा, तब हमको मिल जाएगा y इक्वल टू ए साइन ओमेगा, और t को हम क्या लिख सकते हैं, t माइनस टी डेस मतलब t माइनस एक्स अपॉन भी, ये लिखा जा सकता है। तो जितने भी इस तरह के जो फार्मूले आ रहे हैं, ये पूरे फार्मूले आपको अलग अलग रूप में याद करके रखना है, ये सब उसके विभिन्न रूप हैं। ओके, तो विभिन्न रूपों में इस सब समीकरण को आपको याद करके रखना है। फिर यदि हम वहाँ से चेंज करना चाहें ओमेगा को, तो फिर यहाँ से हम चेंज करेंगे, चूँकि ओमेगा इक्वल टू होता है टू पाई न्यू, ओमेगा इक्वल टू टू पाई न्यू होता है, इस मान को यहाँ पर अपन पुटअप कर दें, तो देयर फॉर वाई इक्वल टू ए साइन और ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा टू पाई न्यू और अंडर ब्रैकेट टी माइनस एक्स अपॉन वी, तो एक नया फार्मूला मिल जाएगा। तो यदि हम उसको ओमेगा को टू पाई न्यू के रूप में चेंज कर दें, तो यहाँ से हमको एक नया फार्मूला मिल जाएगा। क्लियर? अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी को लें, तो चूंकि v इक्वल टू क्या होता है, न्यू लैम्डा होता है, तो v इक्वल टू न्यू लैम्डा में यदि हम v के मान को वहाँ पर पुटअप कर दें, ठीक है, या n के मान को पुटअप, न्यू का मान को पुटअप कर दें वहाँ पर, न्यू का, तो न्यू का मान पुटअप करेंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, देयर फॉर न्यू इक्वल टू v अपॉन लैम्डा। अब इस न्यू के मान को यहाँ पर पुटअप किया जाए तो मिल जाएगा वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई और न्यू का मान v अपॉन लैम्डा, तो हो जाएगा v अपॉन लैम्डा अंडर ब्रैकेट t माइनस एक्स अपॉन v। मतलब आप समझ रहे हो यहाँ पर कुछ नया चीज़ नहीं हो रहा है, एक ही फार्मूला, ये जो मूल फार्मूला था वही फार्मूला क्या हो रहा है, डिफरेंट डिफरेंट फार्म में चेंज हो रहा है, और पूरे फार्म को आपको याद करके रखना पड़ेगा, क्योंकि पूरे फार्म को यदि आप याद करके नहीं रखोगे तो न्यूमेरिकल्स नहीं बनेगा, कि जो जिस रूप में आएगा उस रूप में न्यूमेरिकल नहीं बनेगा। अब यहाँ पर देखो ये जो v का वैल्यू है उसको मैं अंदर मल्टीप्लाई कर दूँ, तो v के वैल्यू को अंदर मल्टीप्लाई करने पर a साइन ओमेगा 2 पाई बाई लेमडा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई बाई लेमडा और अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो v का इसके साथ मल्टीप्लाई होकर वी टी और वी भी कट जाएगा तो माइनस एक्स होगा, तो वी टी माइनस एक्स, ये हो जाएगा वी टी माइनस एक्स, ये नया रूप में आ गया। इस प्रकार से हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्लियर? अब यहाँ पर देखो चूंकि हमने देखा है कि v इक्वल टू न्यू लेमडा, v इक्वल टू न्यू लेमडा, या चलो ठीक है लिख दें, या इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू न्यू कोन अपॉन टी, तो होता है लेमडा अपॉन टी, तो v को हम लेमडा अपॉन टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर यदि हम इसको लेमडा अपॉन टी लिख दें तो वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई बाई लेमडा और अंदर इस v के वैल्यू को पुट कर दें तो लेमडा इंटू टी अपॉन कैपिटल टी और माइनस एक्स हो जाएगा। अब लेमडा को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो वाई इक्वल टू ए साइन टू पाई, लेमडा अंदर मल्टीप्लाई होगा तो लेमडा लेमडा कटेगा, स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ये होगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि जितना इतना फॉर्म आ गया, कन्फ्यूज मत होना, कुछ भी नहीं हो रहा है, बस हम फार्मूला को अलग अलग रूप में प्रदर्शित करते जा रहे हैं। यहाँ पर आप देखो कि जितने भी फार्मूला मैंने यहाँ पर बनाया उसको मैं हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। देखो एक रूप ये है, इस रूप में आपको याद करना है, फिर आपको इस रूप में याद करना है इक्वेशन को, फिर आपको इस रूप में याद करना है, ये सब उसके अलग अलग रूप हैं, सभी अलग अलग रूप में आपको उसको याद करना है, ज़रूरत के हिसाब से उसको हमको यूज़ करना है जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ेगा। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया ना कि प्रोग्रेसिव वेव और स्टेशनरी वेव, प्रोग्रामी तरंग और अप्रोग्रामी तरंग, दोनों को मैं एक साथ एक ही क्लास में पढ़ा दूं तो इस तरह के फार्मूले अभी आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं आज के क्लास में, छोटा वीडियो होगा लेकिन आज के क्लास में मैं आपको सिर्फ प्रोग्रेसिव बताऊंगा, और नेक्स्ट क्लास में आपको स्टेशनरी को बहुत अच्छे से तैयार कर लेना है। अगला वीडियो देखने से पहले आप इसको अच्छे से देख लेना, क्योंकि इसी फार्मूला के बेस पर हम आपको अप्रोग्रामी तरंग पढ़ाएंगे। ओके, आगे देखो ये भी फार्मूला आपको हाईलाइट करके याद रखना है, ये फार्मूला बहुत काम आता है, ये फार्मूला बहुत काम आता है, और ये जो नीचे वाला फार्मूला है, ये इतने रूप में, पांच रूप में आपको इस फार्मूला को याद करके रखना है। ये जो फॉर्म है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये फार्मूला का फॉर्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इतने फॉर्म में आपको इसको तैयार करना है। इसके बाद हम इसका कलांतर पथांतर निकालेंगे इस फार्मूला के हेल्प से, ठीक है।
चलिए ठीक है, अब हम इसमें एक नया टॉपिक पढ़ते हैं, वो कहलाता है कालांतर। कालांतर फेज डिफरेंस, कालांतर मतलब क्या होता है, दो तरंगों के कला में अंतर। कला क्या होता है, आपको हमने ऑक्सीलेशन के चैप्टर में, दोलन के चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया है। तो दोलन के चैप्टर में पढ़ाया है कि कला मतलब क्या होता है, साइन के सामने जो एंगल होता है कला कहलाता है। और कला का मतलब होता है किसी समय विशेष पर तरंग की स्थिति और दिशा बताने वाला जो कारक होता है उसे हम कला कहते हैं। फेस, फेस रिप्रेजेंट द पोजिशन एंड द डायरेक्शन ऑफ वेव। इस तरह से कालांतर हमको निकालना है, तो दो फॉर्म में हम उसको निकालेंगे। एक बार हम उसको निकालेंगे विस्थापन के फॉर्म में, x के फॉर्म में, और एक बार निकालेंगे हम इसके फॉर्म में, ठीक है। इस प्रकार से दो फॉर्म में हमको इसको निकालना है। तो सबसे पहले हम विस्थापन के फॉर्म में निकालें। तो मान लो अपने पास कोई एक तरंग है, उस तरंग का विस्थापन मान लो मैं इसको y1 ले लिया, तो y1 इक्वल टू ए साइन 2 पाई और t अपॉन t माइनस उसके लिए पोजिशन x1 है, तो x1 अपॉन लेमडा हो जाएगा, ये हो जाएगा। दूसरा तरंग मान लो अपने पास ये y2 है, तो y2 इक्वल टू हो जाएगा a साइन 2 पाई, चूंकि इसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है तो t अपॉन t। अब इसका पोजिशन मान लो x2 है, तो x2 बाई लेमडा हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर फाई क्या है, यहाँ पर फाई का मतलब है ये पूरा क्या है, फाई है, ये फाई है और यहाँ पर ये फाई है। दैट मीन्स इसको हम फाई वन कह सकते हैं और इसको हम क्या कह सकते हैं, फाई टू कह सकते हैं। तो फाई वन फाई टू यहाँ पर वैल्यू है, और यहाँ जब हम कलांतर निकालेंगे तो डेल देयर फॉर डेल फाई जो कि कलांतर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाई वन माइनस फाई टू। दैट इक्वल फाई वन का वैल्यू ये होगा, तो ये हो जाएगा टू पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स वन अपॉन लेमडा, और माइनस ये होगा टू पाई स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स टू अपॉन लेमडा, ये होगा। देयर फॉर डेल फाई इक्वल टू, इसको सॉल्व करें तो टू पाई टी बाई लेमडा, टू पाई टी बाई लेमडा दोनों आपस में कैंसिल हो जाएगा, प्लस है माइनस है, तो यहाँ पर बचेगा टू पाई, ये टू पाई बचेगा, और यहाँ से एक्स अपॉन लेमडा को मैं कॉमन करूँ, टू पाई एक्स अपॉन लेमडा को, सॉरी एक्स तो एक्स वन एक्स टू है, तो यहाँ से हो जाएगा टू पाई और बाई लेमडा, और अंदर बचेगा एक्स वन एक्स टू माइनस एक्स वन, ये प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये माइनस माइनस प्लस है माइनस। ये जो फार्मूला आप देख रहे हो यही क्या है, इसके कलांतर के लिए फार्मूला है। इसको डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा और इंटू इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल एक्स। ये फार्मूला आपको याद रखना है कलांतर के लिए, ये फार्मूला बहुत काम आएगा। कलांतर फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स होता है, जिसको हम पथांतर कहते हैं। ये जो डेल एक्स है, ये डेल एक्स पथांतर कहलाता है, डेल एक्स को पथांतर कहा जाता है। तो यह हो गया कलांतर किसके पदों में, पथांतर के पदों में। ये पथांतर है, शब्दों में लिख दूं मैं एक बार, यहीं पर लिख देता हूँ, डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा इंटू पथांतर, पथ में अंतर। तो डेल एक्स को पथांतर कहते हैं, ध्यान रखना। ये जो पथांतर मैंने आपको बताया वो किसका वैल्यू है, डेल एक्स का। ये जो डेल एक्स है यही कहलाता है पथांतर। अब इसको हम टाइम के रेस्पेक्ट में निकाल सकते हैं, तो टाइम के रेस्पेक्ट में किस प्रकार से निकलेगा, देखो अगेन पुनः अपने को पता है कि y का जो वैल्यू है वह a साइन, इसी फार्मूला को दोबारा यूज करेंगे, ये वाले फार्मूला को, a साइन 2 पाई t अपॉन t स्मॉल टी अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा। इसको अब इसको क्या करेंगे, हम समय के सापेक्ष सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पर इसको समय के लिए सॉल्व करेंगे, ये समय के साथ। तो दो तरंगों का विस्थापन का समीकरण क्या हो जाएगा, वाई वन इक्वल टू ए साइन टू पाई, ये हो जाएगा टी वन अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, और यदि हम वाई टू निकालें तो वाई टू इक्वल टू ए साइन टू पाई टी टू बाई टी
माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ये होगा। देयर फॉर कलांतर, अब इस कंडीशन में जो कलांतर होगा जिसको हम फाई कहते हैं, डेल फाई, उसका मान क्या हो जाएगा, फाई वन का वैल्यू अब ये है अपने पास, तो हो जाएगा टू पाई टी वन अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, और ये और माइनस हो जाएगा इसके साथ में टू पाई टी टू अपॉन टी माइनस एक्स अपॉन लेमडा, ये होगा। आगे इसको सॉल्व किया जाए तो देयर फॉर डेल फाई इक्वल टू, अब देखो डेल फाई करेंगे तो टू पाई एक्स बाई लेमडा, टू पाई एक्स बाई लेमडा क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और टू पाई बाई लेमडा को हम यहाँ से कॉमन करें तो टू पाई बाई लेमडा, यहाँ से क्या बचेगा टी टू, और यहाँ से क्या बचेगा टी वन, ये टी वन माइनस टी टू होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टी वन माइनस टी टू, टी वन माइनस टी टू, और इसको हम लिख सकते हैं डेल फाई इक्वल टू टू पाई बाई लेमडा, और ये क्या कहलाएगा समयांतर, ये कहलाएगा समयांतर। इस प्रकार से इसका जो वैल्यू होता है वो हो जाएगा टू पाई बाई लेमडा समयांतर, टू पाई बाई लेमडा इंटू समयांतर, ओके। तो ये हुआ हमारा प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रामी तरंग। तो प्रोग्रामी तरंग में आपको यहाँ तक प्रिपरेशन करके आना है, यदि आप प्रोग्रामी तरंग को प्रिपेयर नहीं किए तो इसके बाद वाले वीडियो को आप मत देखना, क्योंकि इसके बाद वाला जो वीडियो होगा अप्रोग्रामी तरंग, वह पूर्णतः प्रोग्रामी तरंग पर ही बेस्ड होगा, पूर्णतः वह प्रोग्रामी तरंग पर ही बेस्ड होगा, इसलिए आप उसको अच्छे से करके आना है। ओके ओके, थैंक यू सो मच।